हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं इस मुद्दे को लेकर आया हूँ। एक मुद्दा है, बहुत खास मुद्दा है। इस पे हमेशा से बात होती आ रही है और चलती भी रहती है, पर इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। और हर लोगों के मन में ये क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके उपाय किया जाए इसका पता नहीं चलता है। और हर एक जनता के पास इसका जवाब होता भी है, नहीं भी होता है, कंफ्यूजन में है और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन इसका अभी तक हल नहीं निकल पाता है कि क्या करें ऐसे लोगों का, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार का बात करते हैं, आपको बेईमानी की बातें करते हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हों, चाहे वो आपको इंडिविजुअल लोग हों, नेता लोग हों, लेकिन कहीं ना कहीं बात रुक जाती है किस पे, कि करें तो क्या करें। ऐसे लोग जो हमारे समाज में हैं, देश में हैं, और वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सेवा की, समाज सेवा की, लेकिन पता नहीं चलता है वो खुद की सेवा करना चाहते हैं या समाज की सेवा करना चाहते हैं। इन दिनों मुद्दाएं और बहुत देश में माहौल है, आप सबको पता है, चुनाव की, जो कि इलेक्शन 2024 जोरों शोर से है, पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। इस मसले में हर देश, इस देश के हर राज्य में जोड़ तोड़ की नीति, रणनीति, कूटनीति, राजनीति सब चल रही है। पर मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि वो लोग कैसे जो है इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, कैसे सोच रखते हैं कि वही पार्टी जो है, वही पार्टी के लोग जो है, जब वो लोग बोलते हैं, जो पार्टी से बाहर होते हैं, कि ये पार्टी, फलाना पार्टी करप्ट है, अपना पार्टी के लोग जो है बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, लेकिन या उन उस व्यक्ति को जब ऑफर दिया जाए चुनाव लड़ने की, टिकट की कहीं जगह से, तो वो लोग शामिल हो जाते हैं, वही लोग जो उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो उस समय तो ऐसी बातें करते हैं, और जैसे ही अपनी बेनिफिट होती है लोगों को, तो वो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर क्या वो पार्टी के लोग और वो पार्टी भ्रष्ट, करप्ट, बेईमान, झूठे लोग नहीं है, जो वादे से मुकरते हैं जनता के, सेवा के नाम पे जो वचन वादे निभाते हैं चुनाव के दौरान? तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब यही है कि इस बात को लेके जनता जो है कब जागरूक होगी? क्या जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है? वो कुछ सुझाव नहीं दे पा रहे हैं या समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है, सोचने वाली बात है कि कैसे लोग, एक दूसरे के लोग जब पार्टी के बाहर होते हैं, आम जनता होते हैं, नागरिक होते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, इवन इंडिविजुअल और या सोशल मीडिया पे, कि फलाना व्यक्ति या फलाना जो पार्टी है बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। अगर वही पार्टी के लोग, वही पार्टी सामने से ऑफर करती है आपको कहीं से चुनाव जिताने के लिए, टिकट देने के लिए, और आपके पक्ष में कुछ काम करती है, तो आप उसकी गुणगान करने लगते हैं और आप उसके साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको यहाँ से मौका मिलेगा, इनके साथ मौका मिले तो हम देश सेवा करेंगे और उनके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले वही पार्टी के लोग और वही पार्टी जो है करप्ट है, बेईमान है, भ्रष्ट है, इस चीज़ को पता नहीं चल पाता है लोगों के मन में क्या है एक्चुअली। तो लोगों की मानसिकता, लोगों का मनोभाव जो है, उसका चित्त वृत्ति और विचार कहाँ पे निर्भर करता है, इसमें क्या है मेन चीज़? आपको क्या लगता है? इसका जवाब आपको भी ढूंढना चाहिए। हम सभी, मैं आप सभी जनता लोगों से ये कहना चाहता हूँ और ये सोचने विचारने पे चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए विचारिए, एक्चुअली में उस इंसान को, व्यक्ति को क्या चाहिए? नेम, फेम, मनी चाहिए जिसके वजह से ऐसा करता है वो, या एक्चुअल में वो
समाज को या देश के हित में काम करना चाहता है, ईमानदारी से, अच्छाई से, क्या लगता है, क्या होता है? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और इस समय पूरा देश का माहौल यही है। इस समय पूरा देश का माहौल यही है। चुनाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको मैनिपुलेट कर से कैसे करते हैं लोग। चुनाव के कारण बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो रही है, बट उसको मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है? नहीं, ये तो हमें करना ही है, हम ये तो करते ही हैं और इसमें चुनाव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आफ्टर चुनाव क्या होगा, ये आप सबको ही पता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। इस चीज़ों पे बातों पे जनता को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अपना वोट जो है, हमें अपना जो अधिकार मिला है उसको किस तरफ देना चाहिए, हमारा विकल्प क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है। ऐसे लोगों को कि क्या करे वो आपके साथ और आपके देश के सेवा के साथ। हम 5 साल के लिए चुनते हैं और उनके नियम कानून बनाए हुए चीज़ों पे फिर हमको चलना पड़ता है। क्या वाकई वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे 5 साल में होने वाली कुछ चेंजों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम फिर उस चीज़ों को लेकर रोएंगे, हताश निराश होंगे, उदास होंगे, दुखी होंगे, या चेंज लाना चाहते हैं? मेरा बस कहने का मतलब ये है कि मैं जो किसी भी पार्टी के अंदर नहीं हूँ, मैं किसी की पार्टी का नहीं पक्षपाती नहीं हूँ। मैं निष्पक्ष रूप से मैं ये मनोभाव विचार आया और मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हमेशा देखा गया है, हमेशा होता आ रहा है, मुझे लगता है सदियों से चला आ रहा है ये परंपरा, ट्रेडिशन, कि चुनाव आते ही बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें समाज हित में, बेनिफिशियल हित में, बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाती है और ख़त्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। उसके बाद चुनाव के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है इधर से उधर हो रहे हैं, कोई इस पार्टी को छोड़ के उसमें जा रहा है, उस पार्टी को छोड़ के इसमें घुस रहा है, किस डर की वजह से घुस रहा है, क्या हो रहा है वो पता नहीं, वही जानता है। खैर, जनता भी जानती है, वो ऐसी नहीं है कि मूर्ख है, किसी पे क्या दबाव है, किसी पे क्या दबाव नहीं है। इस वजह से अपनी चीज़ें बचाने के लिए वो इधर से उधर भाग रहे हैं। पर कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में सोचना चाहिए जनता को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, कि वाकई में क्या है, हो रहा है और हमें विकल्प क्या ढूंढना चाहिए, कैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए, कैसे लोगों को हमें वोट देना चाहिए जो हमारे मतलब पूरे वाकई में वो देश सेवा, समाज सेवा और अच्छी नियम कानून के साथ आए और एक अच्छी दिशा निर्देशित में काम करे और जेन्युइननेस हो। ये ना कि कुछ बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं, चुनाव के दौरान बहुत बड़ी बड़ी वादे और बहुत बहुत स्टेटमेंट दिए जाते हैं और वहीं चुनाव खत्म होने के बाद सारी चीज़ें मैनिपुलेशन हो जाती है, नियम कानून सारे बदल जाते हैं, उसके एवज में तर्क और दलील अलग दिए जाते हैं। चुनाव से पहले जो है तर्क और दलील अलग अलग होती है किसी भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो ये चीज़ें वाकई में सोचने लायक चीज़ें, हम सारे व्यक्तियों को, सारे समाज की जनता को विचार करने की चीज़ें है कि वाकई में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बहुत बड़ी विषय है क्योंकि ये हमको लगता है बहुत हल्का है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम सोच के क्या करें, हमें किसी चीज़ को बोझ क्यों उठाना है, हमको आनंद लेना है, मौज मस्ती करना है, मजे रहो। ये चीज़ आप मौज मस्ती आनंद लेने के चक्कर में 5 साल आप ऐसे लोगों के हाथ में देते हैं पावर और हमारी डिसीजन करने की क्षमता, कि आप पे ऐसे ऐसे नियम कानून लगा के इम्पोज करते हैं और फोर्सफुली, जो आप भी लगता है कि ये गलत है, चाहिए नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जनता को उसको सहना पड़ता है। तो ये आखिर कहाँ तक सही है आपको लग रहा है और आपको इसके विषय में
सोचने की जरूरत है, उसको सोचना चाहिए कि इसका विकल्प क्या हो सकता है और हम उसके बारे में क्या करें ताकि आने वाले फ्यूचर्स में हमको ऐसे लोगों को सामना ना करना पड़े। यहीं देखा जाता है, मैं खुद देखता हूँ, रियलाइज करता हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टियाँ हो उसमें मैक्सिमम लोग नंबर आजकल के नंबर ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जैसे क्या है कि 10 फेल हैं, 8 फेल हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, उनको नॉलेज किसी और सब्जेक्ट का है, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, टिकट मिल जा रहा है, नेता बन जा रहे हैं, और वो जो है अब इम्पोज कर रहे हैं कि आपको लॉ बना रहे हैं, लॉ मेकर बन जा रहे हैं, देश को कैसा चलना चाहिए, सोसाइटी को कैसा चलना चाहिए, समाज को कैसा चलना चाहिए। और जो बड़े बड़े बेचारे आईएएस पीसीएस हैं, इतने मेहनत करके बनते हैं, किताब पढ़ के, नॉलेज लेके, और वो जो है इनके अंडर में काम करते हैं, और सोचिए कैसी कैसी बातें होती है और कैसा जलील और जिद्दोजहद झेलना पड़ता होगा, और देश का सिस्टम क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। बस कोई भी ऐसे आम किस चीज़ में, मतलब मुझे लग रहा है कि जेन्युइननेस कहीं नहीं दिख रहा है, ओनली आप नेम फेम मनी से पावरफुल हो गए हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप किसी तरह किसी फील्ड में हो, आप बस उसको एक आइकन के रूप में बना दिया जा रहा है, उसको एक टिकट दे दिया जा रहा है, चुनाव के लिए किसी पार्टी को दे दे रहा है, लागू कर दे रहा है। ये जनता को सोचना चाहिए कि कैसा माहौल हो रहा है हमारे देश का, वाकई में क्या भीड़ी भीड़ी चाहिए कि आपके फॉलोअर्स मान लीजिए 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 करोड़ भी फॉलोअर्स है, तो उस व्यक्ति को टिकट दे दो, चुनाव चुनाव लड़वा दो और जिता दो, बन गए MLA MP बन गए। और बेचारे एक ISPCO जो है, इतना पढ़ा लिखा हुआ आदमी उनके अंडर में काम करता है, जिसको सारा पढ़ाई करके ज्ञान होता है, वो सिस्टम को जानते हैं, उसको हमारे देश के बारे में जानता है, चीज़ों को बना जाता है, सब्जेक्ट विषय की नॉलेज होती है, चाहे इवन एनी सिस्टम, सोशल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, जियोग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एवरीथिंग, जिसको नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हो, ह्यूमैनिटी के बारे में, मोरल, कुछ नहीं है यहाँ। और ऐसे लोग जो बन जाते हैं, माफ कीजिए कहने के लायक, ये कला कला के रूप में कहते हैं कि इनको कोई नाचने वाले गाने वाले ऐसे भद्दी भद्दी गंदी उल्टे पुल्टे गाने गा के फेमस हो गए, लोग करोड़ फॉलोअर बना लिए, वो लोग चुनाव लड़के बन जा रहे हैं MLA MP। क्या देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। पहले जो है नाचने वाले गाने वाले ये सबको टिकट मिल जा रहा है, फेमस हो चुके हैं, उनकी उनके सिनेमा चलते हैं, उनकी मूवियाँ चलती है, उनके पास भीड़ है, बताइए। तो चुनाव लड़के हो गए, पहले वो वही लोग जब शुरुआत करते हैं इस तरह की चीज़ें नाचने गाने की, तो लोग कैसे लोग समाज के अंदर किस नज़र से देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि क्या कैसी तरह के गाना गा रहा है, किस तरह के गाना को फिल्माया जा रहा है, किस तरह की मूवी कर रहा है, और वही हमारे देश के आइकन बने हुए हैं और वो हमें सोसाइटी को लीड करेंगे, समाज को कुछ देंगे, कैसे लग रहा है, कैसे संभव लग रहा है ये चीज़ें। ये वाकई में सोचने लायक चीज़ें हैं और बहुत गहराई से लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हमारे देश के साथ, हमारी जनता के साथ, लोगों के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा अगर इस तरह का ही ट्रेंड रहेगा। तो बिल्कुल ये बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन है और ये मन मेरे मन में बहुत बार जहन में आते रहता है कि क्वेश्चन के साथ होना चाहिए, जनता को बहुत सोच विचार करनी चाहिए, जागरूक बनना है तो किस चीज़ को सिस्टम को सुधारना है तो इसका क्या उपाय है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर में क्वेश्चन आ रहा है, आप सबके लोगों के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये नॉर्मल सी है, ह्यूमन माइंड है और साइकोलॉजी है, तो ये क्वेश्चन आएगी ही आएगा, कोर्स क्वेश्चन आएगा, सभी लोग इस तरह के चीज़ों से गुजरते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोलते होंगे, बट द थिंग इज कि आप जो है कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग मन में ही रखते हैं चोरी क्या मतलब है क्या नहीं, इसमें उलझने से, इसको बातों करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही नजर आता है, ऐसे ही लोग आमजन लोग बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर नहीं बोलेंगे या बोलते रहेंगे तो भी क्या होने वाला है, तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है कि देश ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता आ रहा है सदियों से, चलने दो, क्या करना है हमको, और हम भी इसी धारा में, समय के धारा में जी रहे हैं और जी के निकल लेंगे। सो ये बहुत बड़ी बात है, कैसे लोग कंसीडर करते हैं, जनता कैसे है कि इस तरह के लोग को कंसीडर कर रही है, बताइए, सोचने वाली बात है। यही लोग विपक्ष में होते हैं तो अलग बातें करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर कितने सारे गिना देते हैं, उनके अनगिनत असंख्य जो है बुराइयां, और वही जो है इनका जहां लाभ हो तो घुस जाते हैं उस पार्टी में व्यक्तिगत रूप से भी, और तो उनको फिर जब लाभ होता है तो सारे उनके पाप धुल जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार बेईमानी सब मिट जाती है, वो अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उनको व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है ऐसे ऐसे लोगों को, कि हमारा भी नेम फेम मनी बन जाएगा। सत्ता है, कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, रुतबा है इसके लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश में, कोई शिक्षा मंत्री बन जा रहा है, कोई कुछ मंत्री बन जा रहा है, कुछ बन जा रहा है, और इनका जो है कुछ नहीं है मतलब, और इनके अंडर में बेचारे अच्छे कहाँ से पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, सुनना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इनके जो सोच के तरीके हैं हमारे जो सोच के तरीके से बहुत फर्क है। इनको ये मतलब है कि हम जी रहे हैं, हमारे जीवन के काल तक ठीक है, हमारे आने वाले पीढ़ी ठीक रहे, हमारा अपना व्यक्तिगत लाभ हो, हमारा परिवार बढ़े, वहीं तक सीमित है, उस तरीके से हम काम करेंगे। और जो व्यक्ति सोच रहा है समाज का भला हो, देश का भला हो, आगे बढ़े, उस तरह की सोच की नीति नियम के साथ चलना चाहता है, अच्छे लोग ईमानदार के साथ, कोई नहीं है सिस्टम, ये सिस्टम का हाल है, ये हमारा संविधान का, ये हमारा संविधान कहा है क्या ऐसी देश की तरक्की होगी, ये तरक्की है क्या पैसे से, इकोनॉमिक से देश तरक्की करेगी? लेकिन जो मोरल है, जो नैतिकता है, वो जो खत्म हो रही है समाज के अंदर से, लोगों के विचारों से, मनोभावों से, वो क्या, और कितना बड़ा ह्रास हो रहा है, कितना बड़ा क्षति हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है इसके वजह से, केवल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, पैसे से हो जाने से कुछ नहीं होगा। ये आप सबको पता है कि ये रह ही जाने वाला है सबके साथ, सब लोग कोई लेके नहीं जाएगा, सब छोड़ के जाएंगे यहीं पे, रह क्या जाएगा? आपके किए हुए कर्म, आपने कैसे कर्म किए, क्या किए, आपने किस चीजों के बारे में अंडरस्टैंड किया, समझा, आपका रिएक्शन क्या रहा है, आपने क्या किया अपने लाइफ के साथ उस जीवन पीरियड में, आप किस तरफ हैं, आपका योगदान जो है किस दिशा में रहा? ऐसे भीड़ के लोगों के साथ रहा जो चला आ रहा है वैसे ही है उसके साथ, या आप अलग हैं, निष्पक्ष हैं, उस चीज़ों के साथ हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ हैं, वो उस प्रिंसिपल के साथ हैं कि नहीं, भले ही मेरा नुकसान हो या थोड़ा लाभ हो, वो चलेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन मैं जो है उस तरह के हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, उस तरह के चीज़ों में सम्मिलित नहीं होना चाहता हूँ जो मुझे या मेरा जो है जमीर है वो अलाउ नहीं करता है, जो लगता है मेरे भी हित में नहीं है और लोगों के हित में नहीं है। तो आप किस दिशा में हैं, क्या यही चल रहा है?
मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी और व्यक्तिगत लोग का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जनता और लोगों को सब पता है कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना है। तो डिसाइड लेकिन ये करना है कि कब तक ऐसे होते रहेगा? क्या कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा है? क्या कुछ चेंज नहीं हो सकता? क्या ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो अच्छे अच्छे आईएएस पीसीएस वो लोग आए और जो है उनको ऐसे मौका मिले, और या वो खड़े हों अपने ये पार्लियामेंट से या असेंबली से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, ऐसे लोग जो आए जो हमारे देश को, समाज की सेवा करें, वरना फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, लगता है सही बात है। कुछ लोग तो यही कहेंगे कि हाँ, देश तो ऐसे ही चलता ही रहेगा, सदियों से चला आ रहा है, ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो समय मिला है आप जिए और चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो जब हर कोई आदमी ऐसा ही सोचता रहेगा तो मुझे लगता है चेंज कैसे आएगा? चेंज आता है, चेंज होना भी चाहिए। वैसे तो सब लोग ऐसे ही सोचते रह जाएंगे तो चेंज तो कभी आएगा ही नहीं। तो वाकई ये सोचने वाली बात है। आजकल बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा कभी कभी न्यूज़ देखता हूँ तो दिमाग में चलने लगता है कि ये क्या चीज़ें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा हो कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक आनंद है, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करता हूँ। और एक आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, वो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं सोचता है कि कलाकार, हमेशा कहा गया है कि कलाकार है वो, ऐसे बोल सकते हैं कि कल को आकार देने वाला कलाकार। और कलाकार हमेशा चीज़ों को, चाहे वो खराब चीज़ों हो, उससे कुछ न कुछ अच्छा ही क्रिएट करता है। वो कभी भी समाज या लोगों का या अपना अहित नहीं चाहता है, आसपास के लोगों का भी अहित नहीं चाहता। वो किसी भी पशु पक्षी पेड़ पौधे आसपास के जितने भी लोग, उसको नुकसान नहीं चाहता, उसको और ब्यूटिफाई करता है और उसको क्रिएट करता है, क्रिएशन करता है। कलाकार को कहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जो स्कल्पचर बनाते हों, पेंटिंग बनाते हों, कुछ संगीत लिखते हों, जो पोइट्री करते हों, वो लोग कभी समाज का अहित नहीं किए हैं और अहित नहीं कर सकते। वो मिलजुल के इस सिस्टम में अच्छे से मनोभाव विचार के साथ रहना पसंद करते हैं, और ताकि ये जो हमारा सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिफाइड है, हर एक चीज़ का असर एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसका असर पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे। माफ कीजिएगा, इस संबंध में मैं और भी चीज़ें बोलते जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि मैं अपनी मन की व्यथा जो है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बट मैं ज़्यादातर बोल नहीं पाता हूँ इस तरह से सामने आके। मगर कभी कभी लगता है कि बोलना चाहिए। मैं भी मैं ह्यूमन बींग, सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। आई हैव टू पुट ऑन दिस, आई हैव टू से समथिंग अबाउट माई ओपिनियन, वट आई एम थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन गोइंग ऑन अराउंड मी, वेदर इन आई कंसिडर इन माई कंट्री, इन माई प्लेस और इन द वर्ल्ड। क्या लगता है आपको, आप लोग जो युद्ध हो रही है, युद्ध की जैसी बन रही है, बोल रहे हैं कि हालात बन रहे हैं, उधर रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, चल रही थी, और उसके बाद जो है इजराइल और फिलिस्तीन का हुआ, बहुत सारे ये सब जितने भी लड़ाई हो रही है आसपास, अभी चाइना और ताइवान का सुनने में आ रहा धीरे धीरे, उधर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जितने भी चीज़ें हो रही हैं आसपास, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रही, जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान
अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या ये? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एटमॉस्फेयर में जितने भी चीज़ें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? हम दूर हैं तो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, कोस पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस जगत में, इस जगत चीज़ें, इच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड है, सब चीज़। और कहीं ना कहीं वो हमें भी अफेक्ट करेगा, चाहे वो दूर हो या नज़दीक। क्या ब्रह्मांड में उल्का पिंड गिरता है? चांद पे कुछ चीज़ होता है तो पृथ्वी पर असर नहीं होता है? सूरज पे कुछ असर होता है तो क्या पृथ्वी पे नहीं होता है? होता है, कुछ होता है, फर्क पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ भी चीज़ें होती है उससे हमें भी फर्क पड़ता है, हम पे भी वो असर करेगा, चाहे वो इम्पैक्ट बड़ा हो या छोटा हो। सारे जगह बम ब्लास्ट कर रहे हैं तो उसका क्या असर होगा सिस्टम पे, हमारे वेदर पे, हमारे मौसम पे असर पड़ता है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इशू हैं, छोटे छोटे अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने लैंड को एक्सपेंशन करने के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, मतलब गलत सही उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। बस कहीं भी जो है ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है हर चीज़ों में। और इसको तार तार करके आदमी जो है इंडिविजुअलिटी को बस अपनी सत्ता और अपनी पावर और अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए लोग कुछ भी करे जा रहे हैं, और कुछ भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, कैसे भी हो रहा है। हर जगह, किसी भी स्टेट में ले लीजिए या कंट्री में ले लीजिए, सब जगह यही हाल। क्या होगा ये? बहुत ताज्जुब सी बात है। और भगवान ने इंसान बनाया या हम भगवान को किसी देखा नहीं, इन्हें देखा नहीं, एक एनर्जी है, हम उस एनर्जी के थ्रू फॉर्म होके, इवोल्यूशन होके हम ह्यूमन फॉर्म में आए। बट ह्यूमन जो उत्कृष्ट लोग हैं, हमारा माइंड है, हम लोग हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आंतरिक रूप से भी होना पड़ता है, लेकिन वो आंतरिक रूप से कहीं नहीं दिखता है। ओनली थिंग इतना जो है ग्रीड, लोभ, लालच से भर गया है आदमी कि जो है उसको कहीं नहीं दिखाई देता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। बस तुरंत के लाभ के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ भी तर्क दिए जा रहे हैं, कुछ भी दलील दे के सामने वाले को, चाहे वो चालाकी चतुराई से किसी तरह से बस कर रहे हैं मैनिपुलेशन। इंसानियत, मानवता जो है तार तार हो गई है, आत्मा बिक चुकी है, मनोभाव खराब हो चुका है। और जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, सोचते हैं, उनको ही ब्लेम का सामना करना पड़ता है, उनको दबाया जाता है, उनके आवाज़ को बंद किया जाता है, उनके प्रति बहुत सारे चार्ज लगा देते हैं। और इस तरह की देश में घटनाएं होती हैं, चाहे किसी भी सिस्टम में ले लीजिए, किसी फील्ड में ले लीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, इसको क्या कहें, पढ़े लिखों का समाज कहेंगे या किस तरह का समाज है? फिर काहे का पढ़ा लिखा, फिर क्यों पढ़ा लिखा? ये ऐसे पढ़े लोग की रवैया होती है, ऐसा बड़े लोगों का व्यवहार होता है, इंटेलेक्चुअल बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली बस मेकिंग मनी, हाउ टू मेक मनी, कहाँ से पैसा आए। इंटेलेक्चुअल टॉक करने से आपको पैसा कहाँ से, बस यही लगता है, ताकि आप ऐसो आराम की जिंदगी जी सके, भोग विलास कर सके। कहीं जेन्युइननेस नहीं है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कर देना है। इस बात पे मैं बहुत ही वाकई, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मनुष्य है, कहते हैं मनुष्य, मनुष्य का जन्म हुआ मनुष्य, जो मनन करता हो मनुष्य, मानव नाम रखा गया, जो चिंतनशील है, मननशील है, प्राणीशील प्राणी ऐसा जो जगत में है, वही उत्कृष्ट प्राणियों में आता है मनुष्य। लेकिन
सब खत्म दिखता है। कहीं कुछ बहुत कम रह गया लोगों में इस तरह की चीजें। इसमें अच्छे लोग बेचारे पिस रहे हैं, अच्छे ईमानदार सही लोग पिस रहे हैं, कुट रहे हैं वो लोग। आम लोग, गरीब लोग जो है, जो कुछ नहीं बोलता है, जो शांत है, अपना काम से काम मतलब रखा है, उसको लोग ही प्रताड़ित करते हैं, सताते हैं उसको। बहुत सारे उल्टे पुल्टे लॉ नियम कानून से गुजरना पड़ता है। और बड़े लोग हैं जो कितने भी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, धोखाधड़ी हैं, और आराम से निकल जाते हैं। सिस्टम समाज नहीं समझ में आता है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और इस पर जरूर मुझे लग रहा है कि लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा और हम कहाँ होंगे, क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या होगा जब ऐसी स्थिति बनी रही। तब देखा जाता ही है। सही बात है, आजकल जिसके पास पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पावर हो गया है, भले ही वो किसी विधि से आए, किसी भी एन के एन प्रकरण, बस उसको लोग यस सर जी सर सलाम टोकते हैं। जो एकदम सच्चा है, ईमानदार है, अच्छा से रह रहा है, उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी लोग कदर भी नहीं करते, उसको साइड में कर देते हैं। क्यों, किस वजह से? चुभती है क्या वो बातें कि वो ऐसा व्यक्ति है? वाकई में भाई, जहाँ भीड़ जो है 90-95-99% बेईमानों का है, तो एक अच्छा आएगा तो कुटी जाएगा, पीसी जाएगा ना, क्योंकि तो वो तुम्हें पूछता नहीं है, वो तुम्हें सलाम सलाम नहीं करेगा, वो अपने आप में रहेगा, अपनी सोच में रहेगा, अपने काम में रहेगा, बिजी रहेगा। तो तुम्हारे लिए तो वो तो नुकसान कारक है, इसलिए तुम वैसे लोग अलग किनारे ही रहते हैं। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है ये। मैं सुनता रहता हूँ कुछ कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत अजीब सी स्थिति लगती है, कुछ कुछ बोल के सोशल मीडिया पर फेमस हो जाते हैं और फिर फॉलोअर्स बना लेते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद बंदा नहीं के बाद कहते हैं कि वही जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उल्टे उल्टे इल्जाम लगाते हैं दूसरे पार्टियों को, दूसरे लोगों को, और फिर कहते हैं बाद में कि अगर वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और देश सेवा करेंगे। बताइए, पहले तक तो वो भ्रष्ट थे, करप्ट थे, उनकी पार्टियां खराब थी, वो लोग करप्ट हैं, जब इनकी फायदे की बात आई तो खुद जाएंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, फिर ये सब सारा पाप धुल जाता है, फिर ये लोग मिलके फिर वही काम करेंगे, और क्या काम होगा? कुछ तुम खाओ, कुछ हम खाएंगे, मिलके देश चलता रहेगा, ऐसा कौन सोचता है आगे की? क्या सोच करके लोग क्यों टेंशन लेते हो, क्यों अपना बीपी हाई करते हो, क्यों टेंशन माथा पगला रहे हो, क्या हो जाएगा तुम्हारे एक सोचने से? ऐसे ही लोग कहते हैं, तुम्हारे एक सोचने से क्या हो जाएगा, तुम क्या बदलाव कर सकते हो? वाकई सोचने वाली बात है, क्या बदलाव हो सकता है, क्या कर सकते हो तुम उसके लिए? एक एक व्यक्ति को सोचने की जरूरत है इस विषय में, क्या कर सकते हैं वाकई में। यूनाइट नहीं है, ईमानदारी का ही यूनाइट नहीं देखा गया है होना, ईमानदार लोग यूनाइट नहीं हो सकते, यही कमजोरी है। अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं, बढ़िया लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, भ्रष्ट, बेईमान, चोर, लुटेरे, करप्ट लोग एकजुट हैं, क्योंकि सबके थाली में बट रहे हैं चीज़ें, सबको पता है हमारे हिस्से का क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको सब बटा हुआ है, तो वो सब एकजुट हैं, एकमुश्त हैं।
और सही ईमानदार वो आदमी सब चीज़ों से वो अलग है, किनारे है, काम करता है, क्योंकि वो जब शामिल नहीं हो सकता, वो उसका जमीर अलाउ नहीं करता है, तो फिर वो पूरा जिंदगी भर वो दुख झेलेगा, दर्द झेलेगा, उसको परेशानियाँ होगा पूरी जिंदगी भर, जद्दोजहद करेगा, चाहे वो मानसिक रूप से परेशानियाँ झेले, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोसाइटी से भी, हर तरीके से उसको हर जगह से जिल्लत और जद्दोजहद ही झेलना पड़ रहा है, पड़ सकता है पूरी जिंदगी। ये लोग जो है मजे कर रहे हैं, ऐसा ही है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग सोचना चाहिए इस पे, बात में जनता को सोचनी चाहिए कि हमारे जो वोट की जो पावर है कहाँ यूज करना है और किस तरह से यूज करना है, वाकई सोचने वाली बात है। यंगस्टर जो लोग हैं, यंगस्टर को सोचने की जरूरत है कि हमको क्या करना चाहिए इस विषय में, किसको आइकन मानते हैं। आप आइकन मानने की बजाय आप उनको बातों को सुनिए और समझिए और उन पर सोच विचार कीजिए, और उस व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं है, कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं है, आज बोल रहा है कल क्या करेगा वो नहीं पता है। वैसे एक तो समझ सकते हैं किस व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए, कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इतने ज़्यादा जाति, धर्म, पंथ, पात में इतने बटे हुए हैं कि मत पूछो, फिर कहाँ से रह जाएगी इंसानियत, कहाँ से रह जाएगी मानवता। इंसानियत मानवता तो खत्म ही हो जाएगी ना। इंसानियत मानवता तब आता है जब हम सोच ही नहीं पाए कि हम जो है, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो वैश्य हूँ, तो शूद्र हूँ। अरे ये शरीर मानव जो है ये मिला हुआ है, ये तो इसी मिट्टी का बना हुआ है, अंदर की जो मनोभाव है, चित्त वृत्तियां हैं, आत्मा जो है, रूह जो है, वो निकल जाती है हवा के समान है, वो किसकी बनी है, वो भी समान ही है, वो भी इस एटमोसफेयर से ही बनी है, लेकिन कर्म संस्कार के अनुसार उसकी जो सोचने की शक्ति है, कुछ समझने की शक्ति है, वो अलग अलग हो जाती है, वही हमें एक दूसरे से अलग करता है। बाकी तो सारे हाड़ मांस के बने हुए हैं, लेकिन आंतरिक जो है चेतना जो है, आंतरिक जो है आदमी की आत्मा की सोच जो है, चित्त की जो है सोच ही अलग बनाती है हमें दूसरे से। भाई फिजिकली हम कहीं नहीं है, तो सोच को देखना है ना कि जाति विशेष को देखना चाहिए। मुझे लगता है जाति विशेष को नहीं देखना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सोशली कैटेगराइज किए गए शूद्र लोग जो हैं, SC ST के लोग के अंदर जो है वो सोच नहीं होगी अच्छी वाली, वो भी नहीं बन सकते। उसको एग्जाम्पल रहे अम्बेडकर जी, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी सोच हो सकती, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण बाहर से घर में पैदा लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसकी जो सोच जो है, मनोवृत्ति है, जो वो ब्राह्मण वाली हो। ब्राह्मणों वाली सोच किसको बोलते हैं? ब्राह्मणों वाली सोच उसको बोलते हैं जो ये ब्रह्मांड में जितनी चीजें बने हुए हैं, जो बना हुए आसपास हमारे चीजें, उसको उसमें सब चीजों में ब्रह्म का स्वरूप देखता हो, एक एनर्जी का फॉर्म है, सबको एक समान मानता हो, सब में कण कण में भगवान है कहते हैं, हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी है, एक वस्तु में भी, पशु में भी, पक्षी में, सब में है वो विद्यमान है, सब एक ही अणु परमाणु मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो सब समस्त एक से दिखता है, एक नज़र से दिखता है सब में, उसके लिए कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, मानवता ये कहता है, इंसानियत ये कहता है, ये नहीं है किसी भी जाति विशेष का। ब्राह्मणत्व तो जो है
गुण होता है, व्यक्ति विशेष से पैदा होता है, उसके अंदर में उस चित्त वृत्तियां होती है, मनोभाव से पैदा होता है ब्रह्मत्व, वो ब्राह्मण होता है। शरीर से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय शूद्र नहीं होता है, उसके मनोवृत्ति से होता है, उसकी चेतना से होता है, उसका सोच विचार से होता है। जो उस सोच के साथ आप जब समाज में रहते हैं, उस तरह से आप व्यवहार करते हैं, उस तरह से आप कर्म करते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। कोई कोई जरूरी थोड़ी है कि हम चारों नहीं हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, हो सकता है। सब लोग सब में बटे हुए हैं, कुछ विशेष चीजें गुण हो जाती है। अब ये बहुत सारी अलग मैटर है, ये जाति वाली, ये अलग डिस्कशन चला जाएगा, इस पे बहुत सारे लॉन्ग टॉक हो सकते हैं। बहुत सारे चीजें इश्यूज हैं जो हमें वाकई में देश की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। कौन जो है वो समाज हित की बात करता है, कौन जो है देश हित की बात करता है, या कौन लोग जो है ऐसे केवल सिर्फ बातें करते हैं वो चंद दिनों के लिए, और वैसे जैसे ही उनका काम होता है उनको हाथ में आपने सौंप दिया पावर सत्ता, फिर उसके बाद आप कुछ भी बोल लीजिए कोई नहीं सुनेगा की बातें, आपको वो हृदय दृष्टि से देखेंगे, हटा देंगे। अभी आप कैसे प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं जी, कैसे हैं, क्या है, वोट दीजिएगा, फलाना कीजिएगा, ढिकाना कीजिएगा, जैसे ही उनका काम पूरा हुआ उसके बाद किनारे उनकी काफिला चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, उनसे मिलने के लिए आपको 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 5 घंटा, कई दिनों लग जाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, आपकी कोई बातें नहीं सुनी जाएगी। इस संबंध में बिल्कुल ये सोचना समझने की बात है कि आप अपने जो है वोटों का अधिकार खैर सिस्टम ने बनाया तो किस तरह से करें और क्या करें, कहाँ प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें। वाकई ये बात जो है बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सारे माहौल जो यही क्रिएट हो रहा है पूरे देश में, और इवन कुछ स्टेट में भी चुनाव है, लोगों को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इन सब बातों पे कि वो क्या करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।